हाय गाइस, बेटा अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। क्या पढ़ेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, एक एक करके सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। चलो, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखो, हमने O3 का स्ट्रक्चर देखा है। क्या था O3 का स्ट्रक्चर? सर ये बताया था आपने हमको, है ना। देखो O3 का स्ट्रक्चर एक बार बनवा चुके हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर है ना, लुईस स्ट्रक्चर बनवा चुके हैं, और यहाँ पे नेगेटिव था, ये था, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूँ, प्रैक्टिकल डेटा। देखो, जो ओ सिंगल बॉन्ड ओ होता है उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है बेटा, वो होती है 148 पिकोमीटर। कितनी होगी? 148 पिकोमीटर, ठीक है। और अगर ओ डबल बॉन्ड ओ कहीं तुम्हें दिखता है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो होती है 121 पिकोमीटर। कितनी? 121 पिकोमीटर। अब यहां पे जब यहां पे बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट की गई तो ना तो 121 पिकोमीटर थी इस वाले बॉन्ड की, 121 पिकोमीटर नहीं थी, और इस वाले बॉन्ड की 148 पिकोमीटर आनी चाहिए इस वाले की, लेकिन वो भी 148 पिकोमीटर नहीं थी। इसका मतलब कि ये जो डबल बॉन्ड है वो पूरी तरह से डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। इसका मतलब तो ये हो गया ना, ये स्ट्रक्चर सही नहीं, क्योंकि ये कैलकुलेटेड डेटा है। जब भी वो बॉन्ड बनेगा उनके बीच की डिस्टेंस 148 पिकोमीटर है, तो जब डबल बॉन्ड बन रहा होगा दो ऑक्सीजन के बीच में तो 121 पिकोमीटर होगी। बट यहां पे भी वही होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई, ठीक है, नहीं है। इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस ये जो प्रॉपर्टी है बॉन्ड लेंथ की, इसको एक स्ट्रक्चर बता नहीं पाता है, एक स्ट्रक्चर इसे बता नहीं पाता है। तो क्या होता है कि फिर इसका मतलब इसका कोई और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है? जी हाँ, इसका और भी स्ट्रक्चर पॉसिबल है। वो स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है? ये नेगेटिव इधर चला जाए और ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ये यहां ट्रांसफर कर दे, ठीक है। तो देखो क्या बना बेटा, ओ ओ यहां पे अब कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 6 आ गए। इसके ऊपर कितने आ गए? 6। तो यहां नेगेटिव आ जाएगा। यहां पे पहले सिंगल बॉन्ड था, दोनों नेगेटिव चार्ज, मतलब यहां 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, ठीक है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के साथ चले गए, 2 इलेक्ट्रॉनों ने मिलकर एक बॉन्ड बना दिया। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 2 और 2 4 रह गए। इस पे जो थे वो तो अब भी है, ठीक है। तो वास्तव में ये दो स्ट्रक्चर हैं जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चर वन एंड स्ट्रक्चर टू, जो एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, और उससे ओ थ्री का एग्जैक्ट डेटा हमें मिल सकता है। मुझे अब तुम्हारे समझ में आ रहा होगा कि ये जो सिंगल बॉन्ड है वो 148 पिकोमीटर बॉन्ड लेंथ क्यों नहीं दिखा रहा था। कारण ये है कि जिस समय यहां पर, और ये जो चेंज होता है ना, ये जो चेंज है बेटा, ये जो चेंज है बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तुम मेजर भी नहीं कर सकते, इतना फास्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही ये सिंगल बॉन्ड दिखाता है तुरंत डबल बॉन्ड दिखा रहा है, तो कंफ्यूज हो जाता है हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है, वो कंफ्यूज हो जाता है कि 148 मेजर करूं कि 121। तो फिर वो एवरेज, मतलब दोनों के बीच की ले लेता है, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जहां पे एक स्ट्रक्चर काबिल ना हो, एक स्ट्रक्चर सफिशियंट ना हो पूरी तरह से फॉर्मूला ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड बताने में, तो वहां पे हमें दो या तीन या चार या पांच या छह स्ट्रक्चर्स की जरूरत पड़े। ऐसी जगह इंट्रोड्यूस होता है कौन सा कॉन्सेप्ट? रेजोनेंस। और इसी को बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इनको क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, या इनको बोलते हैं वन एंड टू आर कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। तो इनका कोई इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर नहीं बन सकता सर इन दोनों को बना के? बिल्कुल बन सकता है जी। वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, इसका मतलब है इक्विवेलेंट साइन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड मत समझना, ये क्या है? इक्विवेलेंट साइन बिल्कुल बन सकता है जी। वो क्या होगा कि ऑक्सीजन को तो मैं ऐसे ही बना रहने दूं, इस पे तो कुछ चेंज नहीं हुआ है, दोनों में से किसी में बना दिया जी। यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज है वो इस तरीके से रोटेट कर रहा है, ये इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना।
और इसको बोलते हैं बेटा रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसे? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है, तो पेपर में आपसे, एग्जाम में आपसे कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनवा सकता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर बनवा सकता है। ठीक है, अब रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने से हमें फायदा क्या हुआ, हमें फायदा क्या हुआ, देखो अब ये जो बॉन्ड लेंथ है, तो मैं समझ में आ रहा होगा 121 और 148 के बीच वाली मिल रही है, क्योंकि पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर दोनों बॉन्ड के बीच में आ रहा है, दोनों ही बॉन्ड्स में आ रहा है, कभी वो सिंगल है कभी वो डबल है, तो पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, ना एग्जैक्ट डबल है ना एग्जैक्ट सिंगल है। ठीक है, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने से हुआ क्या, हुआ क्या ये तो बताएं आपको। तो रेजोनेंस का जो कौन सा, इन जनरल रेजोनेंस स्टेबिलाइजेस द लुईस स्ट्रक्चर, लुईस स्ट्रक्चर जो कि कैनोनिकल हैं, ये सब अलग अलग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स ही हैं। ठीक है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैविंग हाई एनर्जी, द लुईस स्ट्रक्चर बाय लुईस कैनोनिकल स्ट्रक्चर बाय डिक्रीजिंग इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या याद रखना है, रेजोनेंस में क्या हुआ बेटा, क्या हुआ रेजोनेंस में, कि जो रेजोनेंस के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स have equal energy, सबकी जो ये जो बन रहा है ना, equal energy होती है। nuclei remains constant, मतलब nuclei move नहीं करेंगे, that is ऑक्सीजन अपनी जगह ही है, इसका ऑक्सीजन भी अपनी जगह, ये ऑक्सीजन भी अपनी जगह, ओनली पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स मूव। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबलाइज कर देता है, जब एक स्ट्रक्चर सफिशियंट नहीं हो किसी के बारे में बताने में, तो उसके दो या तीन स्ट्रक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं, उन्हें ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स का कोई एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर होगा, उसे रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल देंगे। ठीक है, इससे होगा क्या, जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं उनकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, जो पहले हाई थी उसे क्या करता है, उसकी एनर्जी को रेजोनेंस कर करके, पाई इलेक्ट्रॉन्स को घुमा घुमा के एनर्जी को कम करके स्टेबलाइज कर देता है। तो ये था रेजोनेंस का टॉपिक। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। वैसे तो काफी डीप में है टॉपिक, मैं आपको साफ साफ बताऊं, ये जो टॉपिक है रेजोनेंस वाला, ये इतना छोटा टॉपिक नहीं है जितना मैंने कराया है। ठीक है, इसे हम आपको रेजोनेटिंग इफेक्ट, ठीक है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, वहां पे आपको अगर डिटेल में जाना है तो मेरी आपको वो वीडियो देखनी पड़ेगी रेजोनेंस इफेक्ट वाली, और वहीं पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को डिटेल में अच्छे से समझाया जाएगा, जहां पे मैं एरोमेटिसिटी पढ़ाऊंगा। ठीक है, वहीं पे मैं आपको ये भी बताऊंगा, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, ये सब एक ही साथ पढ़ाया जाएगा, क्लियर। आपको मेरी वो वाली वीडियो देखनी होगी, तब तक के लिए आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसी का भी बना सकते हो, जरा CO3 2- के बनाओ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सी क्या हुआ करता था, CO3 2- का कोई भी एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगा और कोई दो नेगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन होंगे, यही था। ठीक है, जिन पे नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन लेके रहेगा। ठीक है, अब क्या हो सकता है,
कि ये अपने बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ ट्रांसफर कर दे और ये यहाँ ट्रांसफर कर दे। तो ये जो एरो बना रहा हूं ना मैं, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इक्विवेलेंट दिखाने का काम करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को इक्विवेलेंट दिखाने का काम करते हैं। क्लियर? तो ये नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ डबल बॉन्ड और 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, नेगेटिव इधर आ गया, एक ये बन गया। और क्या पॉसिबल है जी? और ये भी पॉसिबल है कि अब ये इधर दे दे इलेक्ट्रॉन्स और ये इधर दे दे, तो एक और स्ट्रक्चर बन गया, दैट इज C-डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, फिर इसे यहाँ पे 6 हो गए। ठीक है, और फिर से यहाँ तो जो था वही है। ठीक है, तो ये तीनों स्ट्रक्चर्स बन गए बेटा, किसके किसके स्ट्रक्चर्स बन गए, CO32- के। तो ये तीनों क्या थे बेटा, CO32- के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स थे। इस तरीके से आप बना सकते हो, अभी अभी आपके लिए इतना ही काफी है, जब हम ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे इसे। ठीक है, और वहीं से आपको असलियत में तो वहीं से रेजोनेंस अच्छे से सीखना है, यहाँ केवल एक टॉपिक का डेमो ले लो आप और वो आपने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज डाइपोल मोमेंट। ठीक है, डायपोल मोमेंट इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज म्यू। कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो आप लोगों को पता है कोई भी कंपाउंड ना तो प्योर आयनिक होता है, कोई भी कंपाउंड ना तो प्योर आयनिक होता है ना कोई भी कंपाउंड प्योर कोवेलेंट होता है। तो अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बना हो, जैसे मॉलिक्यूल्स हो गए N2H2 एटसेट्रा एटसेट्रा, N2 का स्ट्रक्चर हो गया जी ये और H2 का स्ट्रक्चर हो गया जी ये, यहाँ पे क्या है दोनों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, दोनों का बॉन्ड में बराबर का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं दोनों का बराबर का कंट्रीब्यूशन है, यहाँ भी बराबर का कंट्रीब्यूशन है, तो कोई भी बॉन्ड के अंदर पोलरिटी क्रिएट नहीं होगी। पोलरिटी मतलब दो पोल्स पॉजिटिव नेगेटिव एकदम अलग अलग दिखे, जैसे हमें फिजिक्स में दिखता है, इलेक्ट्रिसिटी में दिखता है पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ जनरेट होगा नहीं, तो इनको बोल देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कोई भी पोलरिटी क्रिएट नहीं हो रही है। और बॉन्डिंग जनरली क्या है यहाँ पे, क्या है बेटा यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्डिंग है, इसलिए क्या बोल देते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। बट अगर मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे आ जाएं जैसे HF हो गया, जैसे HF हो गया, तो इसमें तुम्हें पता है, इसमें तुम्हें क्या पता है कि जो फ्लोरीन है, जो बेटा फ्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, क्या क्रिएट हो जाएगी बेटा, इसके अंदर पोलरिटी क्रिएट हो जाएगी, मतलब इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, पोलराइजेशन हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा। तो जहां पोलराइजेशन की बात आती है वहां पे कितना पोलराइज है बॉन्ड कितना नहीं है वो हम पता लगाते हैं उसके डाइपोल मोमेंट से, किससे पता लगाते हैं, उसके डाइपोल मोमेंट से। अब ये डाइपोल मोमेंट आपने फिजिक्स में पढ़ा है, बताओ क्या होता है डाइपोल मोमेंट, इट इज नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस जो पॉजिटिव नेगेटिव है एंड सेपरेशन बिटवीन देम, सेपरेशन बिटवीन देम किसका प्रोडक्ट होगा, जैसे मान लो एक चार्ज ये रहा, एक चार्ज ये रहा, ये Q1 है, ये Q2 है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो दोनों के बीच में आर है, तो डायपोल मोमेंट दैट इज म्यू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं म्यू, क्या हो जाएगा बेटा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा Q1 × Q2 का इंटू प्रोडक्ट किसके साथ, सेपरेशन बिटवीन। तो इस तरीके से आप डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं, इसकी यूनिट होती है dy, जिसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसके बराबर होती है, कूलाम मीटर, कितने कूलाम मीटर, 1 d/1 d/, यूनिट की वैल्यू बता रहा हूं, 1 d/ इक्वल टू होता है बेटा 3.33, कितना होता है बेटा, कितना होता है बेटा, 1 d/ इक्वल टू होता है 3.33 × 10⁻³⁰ कूलाम,
मीटर। ठीक है, ये एक डी वाई की वैल्यू है, क्लियर। तो डायपोल मोमेंट प्रैक्टिकली ऐसे निकालते हैं। तो सर इससे हमें क्या फायदा, अब हम बताते हैं तो मैं क्या फायदा होगा, हमें कैसे पता चलेगा बॉन्ड कितना पोलर है कितना नहीं, वो भी बता देते हैं। अब ये जो डायपोल मोमेंट है ये कैसी क्वांटिटी है बेटा, ये कैसी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए वेक्टर का यूज होता है कुछ इस तरीके से, वेक्टर का यूज होता है। ये उसकी टो ये क्या है, वेक्टर की टेल है, ये वेक्टर का क्या है, हेड है। ठीक है, इसका यूज हमें कैसे करना है, मान लो हमारे पास हमने मॉलिक्यूल लिया था एच एफ, हमने क्या लिया था मॉलिक्यूल एच और एफ, तो सर हम कैसे लगा कैसे बताएंगे कि कौन सा किधर टेल आएगी किधर हेड आएगा। तो हम बताएंगे बेटा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है हेड किधर आएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। ठीक है, और जो बेटा टेल है वो कहाँ आएगी, जो टेल है वो कहाँ आएगी, लेस या लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर। समझ में आ रहा है, हर चीज समझ में आ रही होगी, बड़े सिस्टम से जा रहे हैं। ठीक है, तो ये वेक्टर हम कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखाएंगे, समझ में आ रहा है आपको। अब डायपोल मोमेंट हम हर बॉन्ड का कैलकुलेट कर सकते हैं, हम हर बॉन्ड का कैलकुलेट कर सकते हैं कि एच के ऊपर कितना चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर कितना चार्ज है, मतलब चार्ज मतलब पॉजिटिव नेगेटिव तो होता ही है आपको पता है। ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन उससे हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हम यहाँ पे तुम्हें डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना नहीं सिखा रहे हैं, हम केवल यहाँ से कंक्लूजन आएगा कि कौन सा कंपाउंड पोलर है, कौन सा कंपाउंड नॉन पोलर है, और कौन सा कंपाउंड पोलर है तो दूसरा अगर उसके साथ पोलर प्रेजेंट है तो दोनों में कैसे कंपैरिजन करेंगे, कौन ज्यादा पोलर है कौन कम पोलर है। जो नॉन पोलर हो जाएगा उसकी तो बात ही नहीं होगी। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देखो जब तक मॉलिक्यूल डाई एटमिक है, मतलब डाई एटमिक मॉलिक्यूल मतलब जिसमें दो ही एटम है, तब तक तो दिक्कत नहीं है, एक ही बॉन्ड है, इसका डायपोल मोमेंट निकाल लो जी, जो भी आ रहा हो उसी के बेस पे बता देंगे कितना पोलर है कितना नॉन पोलर है, या पोलर है तो कितना पोलर है कितना नॉन पोलर, अगर सॉरी कितना पोलर है तो कितना पोलर है तो उसकी वैल्यू क्या है, वो सब हम निकाल सकते हैं। लेकिन बट अगर बात आ जाए पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, किसकी, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, लिख लो, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, इन केस ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स द नेट डायपोल मोमेंट, द नेट डायपोल मोमेंट कैन बी कैलकुलेट बाय द समेशन समेशन ऑफ डायपोल मोमेंट्स ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स, ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स, इज इट क्लियर बेटा, ऑफ ऑल दी बॉन्ड्स। क्या आपके एकदम कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब जैसे मैंने एग्जांपल ले लेता हूं H2, जो H2O का स्ट्रक्चर है वो बेंट स्ट्रक्चर होता है कुछ ऐसे। ठीक है, दो लोन पेयर होते हैं, इस पे ऐसी शेप होती है। अब देखो बताओ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, सर ऑक्सीजन, तो एरो किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, इधर यहां पे, तो ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं ऐसे, तो दोनों आगे जाके जुड़ जाएंगे, तो जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा, अगर मैंने इसे μ1 बोला इसे μ2 बोला, तो म्यू टोटल क्या हो जाएगा बेटा, μ1 प्लस μ2 हो जाएगा। और वास्तव में ऐसा ही होता है, वास्तव में ऐसा ही होता है, अगर इसकी वैल्यू तुम्हें दी है 1.85 dy होती है, मैं प्रैक्टिकल डेटा बता रहा हूँ, और किसी एक बॉन्ड की पता है तो तुम दूसरे का डायपोल मोमेंट भी आराम से निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो आपको नहीं होगी। ठीक है, एक तो ये केस हो गया सर, फिर हम और भी थोड़ा सा हमें एग्जाम्पल दो, बिल्कुल दे रहे हैं आप लोगों को, बिल्कुल एग्जाम्पल दे रहे हैं, बिना एग्जाम्पल के कैसे समझ में आएगा, इसीलिए थोड़ा सा वीडियो लंबी हो जाती है, क्योंकि एग्जाम्पल से समझाते हैं, है ना, ताकि आप कंपटीशन के क्वेश्चन को थोड़ा सा टच कर सको। देखो यहाँ से क्वेश्चन ज्यादातर डायरेक्ट नहीं आता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सब यूज होते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो मेरे पास BeCl2 है, तो बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर ऐसे होगा बेटा,
ये होगा, ठीक है। अब बताओ इसके अंदर वेक्टर ऐसे बनेगा, एक बॉन्ड का वेक्टर ऐसे बनेगा, तो यहां पे ये बॉन्ड और ये बॉन्ड का जो डायपोल है वो दोनों ऐड होंगे, लेकिन दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज म्यू वन और म्यू टू, और दोनों ही बॉन्ड किसके हैं, बीई और सीएल के बीच में है, तो दोनों का जो डायपोल मोमेंट होगा वो सेम होगा, लेकिन दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए म्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। क्या आ जाता है, जीरो। जिसका डायपोल मोमेंट जीरो आ जाए उसे बोल देंगे नॉन पोलर, क्या बोल देंगे, पोलर। और जिसके डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आ रही थी जैसे H2O में, उसे बोल देते हैं बेटा पोलर, क्या बोल देते हैं उसे, पोलर। क्या ये बात समझ में आ रही है, और एक दो एग्जांपल देख लेते हैं थोड़ा सा, जब आपको और क्लियर होगा, तीन एग्जांपल और देखेंगे टोटल, ठीक है, फिर ये वीडियो खत्म। चलो कौन कौन से एग्जांपल देखेंगे, एक तो देखते हैं हम BF3। ये BF3 में सर आप कैसे समझाएंगे, बिल्कुल शानदार तरीके से। BF3 का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। ये टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल है, कैसा है, ये टेट्रा एटमिक मॉलिक्यूल है, चार एटम है ना इसके अंदर, चार के लिए टेट्रा, एटम के लिए एटमिक मॉलिक्यूल, ठीक है। ये एक फ्लोरीन लगा है, ये एक फ्लोरीन लगा है, ये एक फ्लोरीन लगा है, कुछ इस तरीके के जॉइंट होते हैं आपस में, ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नाउ देखो बताओ बोरोन और फ्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सर फ्लोरीन की ज्यादा, तो वेक्टर इधर होगा, ये बॉन्ड का वेक्टर इधर होगा, ये बॉन्ड का वेक्टर इधर होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये आ रहा होगा, जो भी होगा डायपोल मोमेंट की कुछ वैल्यू आएगी किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो देखो इन दोनों को एड करके, इस वाले को और इस वाले को, इसे वन बोल रहा हूं, इसे टू बोल रहा हूं, तो वन और टू को एड करके एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा जिसे मैं थ्री बोल रहा हूं, तो जो थ्री का डायरेक्शन होगा वो कहीं इधर होगा, इधर होगा, ठीक है। अब इसके जस्ट अपोजिट फिर से BF का बॉन्ड है, तो यहां पे भी क्या होता है, जो ये थ्री आया है नेट, जो इन दोनों को जोड़ के आया म्यू वन प्लस म्यू टू को, ठीक है, वो क्या करता है, इसको जो इसका भी है, इसको फोर मान लो, ठीक है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को म्यू वन प्लस म्यू टू इक्वल टू माइनस आ जाएगा बिल्कुल अपोजिट में, म्यू फोर को कैंसिल कर देता है पूरी तरह से, ठीक है। इसलिए यहां भी डायपोल मोमेंट क्या आ जाता है, जीरो। सर हमें ये बात नहीं अभी तक डाइजेस्ट हो रही है कि आपने इन दोनों के वेक्टर को इसी के अकेले के बराबर क्यों मान लिया। देखो सीधी सी बात है बेटा, अगर ये कुछ इस तरीके से ऐड हो रहे होते, तो मतलब ऐसे आ रहे हैं दोनों और ऐसे मिल गए और एक साथ चले गए, फिर से ऐसे आ रहे हैं दोनों और ऐसे मिल गए और एक साथ चले गए, ऐसे ऐड हो रहे होते तो बढ़ जाते, मैग्नीट्यूड इनका बढ़ जाता, लेकिन ये क्या है, ये ऐसे निकल के दोनों दूर दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनका जो मैग्नीट्यूड है आपस में ऐड तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा, इसीलिए जितनी वैल्यू उसकी आती है वो पहले से ही इसके पास उतना अपोजिट में अवेलेबल है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, इसीलिए BF3 क्या है, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं NH3 और NF3 का। किसका लेंगे बेटा, NH3 और NF3 का। देखो चलो पहले लो NH3 और फिर लो NF3, दोनों का कंपैरिजन भी करवाना है मुझे। NH3 का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा होगा, एक हाइड्रोजन, ठीक है, फिर नीचे की तरफ एक हाइड्रोजन और एक पीछे की तरफ हाइड्रोजन होती है, ठीक है। NF3 में क्या होता है, सेम स्ट्रक्चर होता है, बस हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन लगा दो। अब देखो बताओ यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की ज्यादा है, तो हर बॉन्ड का डायरेक्शन ये होगा, हर वेक्टर का डायरेक्शन डाइपोल का ये होगा, ठीक है। तो ये तीनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे तीनों ऐसे मिलके नेट डायपोल दे देंगे ऊपर की तरफ ये, ठीक है। इसकी वैल्यू आ जाती है म्यू डायपोल, कुछ वैल्यू आएगी। अब मैं पूछूंगा तुमसे, मेरे को कंपैरिजन करवाना है, NH3 की ज्यादा आएगी, NF3 की ज्यादा आएगी, ये आप लोगों को बताना है। अब NF3 में आओ, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, सर फ्लोरीन की ज्यादा है, तो ये बॉन्ड इस डायरेक्शन में होंगे, नीचे की तरफ होंगे तीनों में, हाँ। अब देखो पहले इधर क्या है, ये तीनों ऐसे आके ये कैप को मार्कर की कैप को इनका हेड समझ लो एरो का, ऐसे आ रहे हैं और तीनों ऐड हो रहे हैं तो वैल्यू बढ़ जाएगी। लेकिन यहां क्या है, यहां उल्टा है जी, ये सब
अपोजिट डायरेक्शन में भागने को, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल अपोजिट नहीं जा रहे, बिल्कुल अपोजिट जा रहे होते तुरंत जीरो हो जाती, तुरंत जीरो हो जाती, बिल्कुल अपोजिट नहीं जा रहे, कहां जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तीनों के डायरेक्शन अलग अलग है। तो ऐड तो होंगे, ऐड तो होंगे, लेकिन बहुत कम, बहुत कम, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि म्यू डायपोल जो डायपोल मोमेंट है वो किसका ज्यादा होगा, NH3 का ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा? सर इसका ज्यादा होगा, क्योंकि ये यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं तो, और वास्तव में यही होता है, 4.9 × 10⁻³⁰, हाँ 4.9 इंटू कितनी वैल्यू होती है बेटा इसकी, इसकी वैल्यू आएगी आपके पास 4.9 × 10⁻³⁰ dy, ठीक है, यहाँ कूलम मीटर, कूलम मीटर, ठीक है, और यहाँ पे आती है 0.85 × 10⁻³⁰ कूलम मीटर। आप लोगों के समझ में आ रहा होगा, क्लियर दिख तो रहा है बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप लोगों के समझ में आ रहा है ना। तो कौन ज्यादा पोलर हुआ, ये ज्यादा पोलर होगा, ये ज्यादा पोलर होगा, एक तरीका तो ये हो गया। अब ऑर्गेनिक में कभी कभी डायपोल मूवमेंट से क्वेश्चन क्रिएट होते हैं कि कौन बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन बॉन्ड कम पोलर है, कॉन्सेप्ट हमें तो, हमने तुम्हें बताया कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन हम वैल्यू तुमसे कैलकुलेट कभी नहीं करवाएंगे, कभी नहीं करवाएंगे, केवल कंपैरिजन पूछेंगे। मैं पूछ लेता हूं कि जो CF का बॉन्ड है, CCl बॉन्ड है, इन दोनों में कौन ज्यादा पोलर होगा? सर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये ज्यादा पोलराइजेशन कर रहा होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा, ऐसा अपने ऊपर डेल्टा नेगेटिव ज्यादा ले लेगा, और यहाँ पे CCl ज्यादा ले लेगा। लेकिन ये डाई एटमिक का केस है, ठीक से देखो, डाई एटमिक का केस है, यहाँ कोई वेक्टर एड वेड नहीं होगा, यहाँ किसके बेसिस पे निकालेंगे, दोनों के चार्ज का मल्टीप्लाई, दैट इज Q1 × Q2 × सेपरेशन बिटवीन देम, तो इस फैक्टर पे डिपेंड करेगा। देखो अब Q1 Q2 का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तो इसके लिए ज्यादा होगा, CF के लिए, क्योंकि फ्लोरीन के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आता है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो उसके ऊपर कम नेगेटिव चार्ज एक्वायर करने की उसकी टेंडेंसी रहेगी, ठीक है, तो ये इसका ज्यादा होगा। लेकिन जो R है, R क्या होता है, R है दोनों के बीच में जी सेपरेशन डिस्टेंस, तो जो CCl है वो कुछ इस तरीके से अटैच होते हैं, ठीक है, देखो ये तो है CF। अब तुम Q1 Q2 के बेस पे नहीं बता सकते, क्योंकि Q1 Q2 तो फ्लोरीन का थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे मेन फैक्टर R बन जाता है, क्या बन जाता है, R सेपरेशन, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि ये तो सी और एफ है, लगभग दोनों के बीच में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, और ये C और Cl है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है, R ज्यादा है, कि इन दोनों के बीच का R ज्यादा है? सर C और Cl का ज्यादा है, तो मल्टीप्लीकेशन में R किसका ज्यादा आएगा, इसका ज्यादा आएगा, इसीलिए इसीलिए फिर आप लोग बोलोगे सर Q1 Q2 का मल्टीप्लीकेशन तो CF वाले का ज्यादा आ रहा है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस वाला फैक्टर डोमिनेट करता है, किसके ऊपर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस ऑफ CF एंड CL के ऊपर, ठीक है, तो डिस्टेंस पे पूरी तरह डिपेंड हो जाएगी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे डायपोल मोमेंट CF और CL के केस में, जो कि डिस्टेंस किसका ज्यादा है, C और CL का। बॉन्ड लेंथ तुमने पता है, बॉन्ड लेंथ C और CL के बीच में ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि साइज ऑफ द एनायन बढ़ रहा है, साइज ऑफ द एनायन जिसका ज्यादा होगा, कैटायन का तो सेम हो गया, C है उसमें भी C है, उसमें भी C है, तो एनायन जिसका साइज ज्यादा होगा, अभी पढ़ा है पिछली वीडियो में ही देखा है, जिसका साइज ज्यादा होगा उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुई तो उसका डायपोल मूवमेंट ज्यादा हुआ, इसीलिए जो CCl है, CCl बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर होता है, और इसका डायपोल मूवमेंट आता है 1.860 dy, ठीक है, और बेटा CF जो बॉन्ड है उसका आता है लगभग ज्यादा अंतर नहीं होता है, लेकिन 1.804 dy आता है, थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा कम नहीं होगा, ठीक है। तो आप ये अब आराम से पता लगा सकते हो कि कौन बॉन्ड ज्यादा पोलर है, कौन बॉन्ड कम पोलर है, या नॉन पोलर और पोलर कंपाउंड्स किसे कहते हैं, अब आप आराम से बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम विस्पर थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और विस्पर थ्योरी के साथ ही, ठीक है, इसी में फजान रूल है, फजान रूल मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, ठीक है, अब हम विस्पर थ्योरी स्टार्ट करेंगे बेटा। विस्पर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब
अभी तक आपको ये समझ में नहीं आ रहा है, देखो मैंने NH3 का स्ट्रक्चर कैसे बना दिया, NF3 का कैसे बना दिया। लेविस स्ट्रक्चर से शेप नहीं पता चलती है, ना ज्योमेट्री पता चलती है, केवल एक प्रेडिक्शन है कि यहां लगा सकते हैं। ऑक्टेट तो कंप्लीट करवा दी, लेकिन एग्जैक्ट वो एटम लगे कहां होंगे, कौन से कितना एंगल बना रहे होंगे, बॉन्ड एंगल कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, ये सब चीजें नहीं पता चलती हैं। इसके लिए विस्पर आई, विस्पर थ्योरी आई, तो विस्पर थ्योरी दैट इज वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।